नमस्कार साथियों, आज की व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे चीन के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का तीसरा बड़ा देश है। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो विश्व का देश है वो रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा और तीसरे नंबर पर चीन है। चीन का जो क्षेत्रफल है वो 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा देश है। 2018 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग चीन की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 40 करोड़ यानी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है वो चीन में है। इसके साथ में ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात में दूसरे नंबर पे हैं, जिसकी जनसंख्या अभी वर्तमान के अनुसार 135 करोड़ के लगभग है। चीन पूर्वी एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी 13 देशों के साथ में सीमा लगती है। उत्तर में मंगोलिया और रूस के साथ, उत्तर पूर्व में उत्तरी कोरिया के साथ में, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण पूर्व में वियतनाम और लाओस के साथ में, दक्षिण पश्चिम में म्यांमार, भूटान और नेपाल के साथ, दक्षिण पश्चिम में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ में लगती है। इस प्रकार से जो चीन है वो एशिया के 13 जो देश है उनसे घिरा हुआ है। चीन मुख्य रूप से पर्वतीय और पठारी देश है। चीन के लगभग 50% भूभाग पर पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, 35% भूभाग पर पठार और पहाड़ियों का विस्तार है, केवल 15% भूभाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। और ये मैदानी क्षेत्र भी इसकी जो मुख्य नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित है। कम मैदानी क्षेत्र होने के बावजूद भी वर्तमान में चीन जो खाद्य फसलें हैं उनका महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। चावल, गेहूँ, तंबाकू, कपास में, फल और सब्जियों में चीन का संपूर्ण विश्व में पहला स्थान है। और उसका कारण है कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग और हाई यील्डिंग वैरायटी, इरिगेशन फैसिलिटीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका इंटीग्रेटेड यूज करने के कारण जो वहाँ पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। चीन में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, चीन के दक्षिण पश्चिम में हिमालय पर्वतमाला है और जहाँ पर विश्व का सर्वोच्च जो बिंदु पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, तिब्बत और चीन की बॉर्डर पर, नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर, उसके बाद में उत्तर पश्चिम में कुनलून पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, उसके आगे थयानसान, अल्टाई पर्वत श्रेणी, नानसान, कारासान, खिंगन, ये मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं जो चीन के अंदर अवस्थित है। पठारों की बात करें तो लोइस का पठार, चीन के उत्तर में लोइस का पठार, जो मुख्य रूप से हवाओं द्वारा जो मिट्टी की बारीक कण है उनको लाकर जमा करने से जिसका निर्माण हुआ है। तिब्बत का पठार जो विश्व का सर्वोच्च पठार है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है।
इसके जो मैदानी क्षेत्रों की बात करें अपन, तो यांगटी सिंग नद, जो यांगटी सिकियांग नदी है उसका मैदान, सिकियांग नदी का मैदान, हवांग हो नदी का मैदान, ये इसके मुख्य मैदान है। चीन में मुख्य रूप से चार बेसिन पाए जाते हैं, कुनलून और थानसान के मध्य तारिम बेसिन, और इसके पश्चिम में तकला मकान मरुस्थल। थानसान जो पर्वत श्रेणी है उसके उत्तर में और चीन के पश्चिमी भाग में जुगेरियन बेसिन, नानसान और कारासान जो पर्वत श्रेणी है उनके बीच में मध्य में सेदाम बेसिन, और जो यांगटी सिकियांग नदी है जेचुआन प्रांत से बहती है यहाँ पर लाल बेसिन। इस प्रकार से चीन में चार मुख्य बेसिन है जहाँ पर मुख्य जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उनकी खेती की जाती है। चीन की यदि नदियों के बारे में अपन चर्चा करें तो चीन की तीन मुख्य नदियाँ हैं, हवांगो नदी जो सैंसी प्रांत के पास से निकलकर बीजिंग के पास बोहाई की खाड़ी में अपना जल है वो गिराती है, इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो लोइस का पठार है उसके मध्य से बहती है, और लोइस की पठार यानी वहाँ पर जो मृदा है सोइल है वो पीले रंग की होने के कारण वो इसके अंदर घुल जाती है और नदी के जल का रंग है वो पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी मुख्य नदी है यांगटी सिकियांग, ये महत्वपूर्ण नदी है और संपूर्ण एशिया की सबसे लंबी नदी है, तिब्बत के पठार से निकलकर जेचुआन प्रांत के मध्य से यानी लाल बेसिन के मध्य से होते हुए संगाई के पास पूर्वी चीन सागर में ये नदी है वो अपना जल गिराती है। तीसरी मुख्य नदी है वो सिकियांग नदी जो चीन के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलकर हांगकांग के पास में जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें अपना जल गिराती है। इस प्रकार से इसकी तीन मुख्य नदियां हैं। चीन के जो मुख्य मुख्य चीन मुख्य रूप से 23 प्रांतों में और 5 स्वायत्तशासी जो ऑटोनोमस एरिया है उसमें विभाजित है, प्रोविंस में विभाजित है। इसके चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग जो हवांगो नदी के उत्तर में स्थित है। संगाई चीन का सबसे बड़ा महानगर और व्यवसाय केंद्र है जो यांगटी सिकियांग नदी के उत्तर में स्थित है। अन्य मुख्य महत्वपूर्ण शहरों में वुहान जो हाल ही में कोरोना जो वायरस है COVID-19 है उसके कारण चर्चित रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो कोरोना या COVID-19 वायरस है उसका ओरिजिन है वो वुहान से हुआ और संपूर्ण विश्व में महामारी के रूप में फैला, और वर्तमान में भी वो अनियंत्रित या जिस पे कंट्रोल नहीं है, अभी तक उसकी किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लगातार महामारी के रूप में वो फैल रहा है। वुहान चीन का महत्वपूर्ण शहर है। दक्षिण पूर्व में कैंटन, हांगकांग ये चीन का स्वायत्त क्षेत्र है, तिब्बत ये भी चीन का स्वायत्त शासी जो क्षेत्र है ऑटोनोमस। इस प्रकार से चीन है वो 23 प्रोविंस यानी राज्यों और 5 स्वायत्तशासी जो क्षेत्र है उनमें फैला हुआ है। चीन के मुख्य 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 जो प्रांत है वो सैनसी शानसी जो कोयले के उत्पादन के लिए संपूर्ण विश्व में फेमस है, हुनान प्रांत, यूनान प्रांत जो टिन और एंटीमनी के लिए संपूर्ण विश्व में फेमस है,
गोबी मरुस्थल, जिसका विस्तार मुख्य रूप से आपके मंगोलिया और चीन में है। वर्तमान में चीन जो है एक विकासशील से विकसित देशों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की है और वो लगातार अपना आर्थिक विकास कर रहा है। एशिया की उभरती हुई महाशक्ति है, अपने साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति के कारण इसको एशिया के अजगर के नाम से पुकारा जाता है। और ये वर्तमान में एशिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में हो सकता है ये विश्व की महाशक्ति बन जाए।